अगर आपकी तुला, वृश्चिक या धनु राशि है तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन तीन राशि वालों का मार्च 2024 का राशिफल। मार्च 2024 कैसे जाने वाले इन तीनों राशि का, तो इसको हम आराम से डिस्कस करेंगे, एक एक राशि को आराम से लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वेदांश वल्लभ, आप सभी का एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट। अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी सारी एस्ट्रोलॉजी की टिप्स और वीडियोस मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। एंड आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा हमारी वीडियोस पर रिस्पॉन्स दिया और हमें इतने सारे कॉल्स और मैसेज आए, कमेंट्स आए, जिसके लिए हम आगे आने वाली वीडियोस पर आपको सारी वीडियो का रिस्पॉन्स देने वाले हैं। इन रिस्पॉन्सेस से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिसके लिए हम आपके लिए मेहनत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों का हेल्थ, करियर और रिलेशनशिप, ये तीन चीज़ें मार्च 2024 में कैसी रहेंगी, इन पर हम बात करेंगे। आपके स्क्रीन के यहाँ पर शो हो रहा होगा मार्च 2024 का आपका गोचर। गोचर का मतलब क्या होता है कि आपके ऊपर बाकी के 9 ग्रहों का प्रभाव क्या रहेगा, कैसा रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव सब पे डिस्कस करेंगे और उन सब की उपाय और रेमेडी भी आपको बताएंगे। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं, तुला राशि के ऊपर सबसे पॉजिटिव प्लेनेट गुरु का आस्पेक्ट आ रहा है और तुला राशि का प्लेनेट फोर्थ हाउस में उच्च के मंगल के साथ बैठा है, तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन है। आप सभी का हेल्थ बहुत अच्छा रहने वाला है, गुरु का प्रभाव रहेगा। गुरु क्या है? गुरु नेचुरल गुड हेल्थ का प्लेनेट है, आपकी हेल्थ को रिकवर करेगा। अगर आप काफ़ी समय से किसी भी हेल्थ पर परेशानी में जूझ रहे हैं, वो सारी प्रॉब्लम आपकी मार्च में सॉल्व हो जाएगी। और दूसरी बात, शुक्र ग्रह भी उच्च के मंगल के साथ बैठा है, तो यानी शुक्र ग्रह को बल मिलेगा, पावर मिलेगी। और सेवंथ हाउस में अगर आप देखो, गुरु ग्रह बैठा है, यानी आपका रिलेशनशिप भी गुरु ग्रह से ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई परेशानी हो रही है, वो ठीक हो जाएगा। अगर नहीं है, तो आपका रिलेशनशिप इन्हेंस होगा, इनक्रीज करेगा। एक छोटी सी रेमेडी आपको देने वाला हूँ, आपको मंगल ग्रह की पूजा करनी पड़ेगी। हनुमान चालीसा की पूजा करें। मंगल ग्रह हनुमान चालीसा को डिनोट करता है, शो करता है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करें, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मंगल ग्रह आपके सेवंथ हाउस को देखता है, मंगल ट्वेल्थ लॉर्ड है और अच्छी पोजिशन में बैठा हुआ है, तो मंगल ग्रह आपके सेवंथ हाउस यानी रिलेशनशिप पे कुछ नेगेटिव असर डाल सकता है मार्च 2024 में। तो आप सभी को अपने रिलेशनशिप पर ध्यान देने की बहुत जरूरत पड़ेगी। मंगल ग्रह हनुमान जी का प्लेनेट है, तो हनुमान जी का रेमेडी मैंने आपको इसलिए बताया। आपकी अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए, तो टेंथ हाउस में कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा, टेंथ हाउस आपका अच्छा है। टेंथ हाउस होता है जॉब का, जॉब आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, 100% आएंगी। अगर हम दूसरी बात करें, तो इनकम का प्लेनेट, देखो जॉब में दो चीज़ें होती हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं वहाँ से इनकम कितनी आ रही है और आप कितना सेव कर पा रहे हो, कितना जेब में जा रहा है, कितना बाहर जा रहा है, तो दोनों पर हम बात बता रहा हूँ मैं। आपके पास जो आपके पास आएगा वो प्लेनेट अच्छा नहीं है, वो वीक हो रहा है शनि की वजह से, तो इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन 15 मार्च के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आपकी इनकम जैसे ही आ रही है, तो आने के बाद वो आपके सेविंग तक पहुंच नहीं पा रही। सेविंग तो अच्छा है, सेव तो आप कर रहे हो, लेकिन इनकम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही अच्छे से। तो यहां पर आपको सूर्य ग्रह को ठीक करना है। सुबह सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाएं। अगर आप लेट तक जगते हैं, ठंड का मौसम है, तो सुबह सुबह उठकर बिना नहाए, एटलीस्ट बिना नहाए सूर्य को जल चढ़ाएं और सो जाएं। लेकिन ये चीज आप करोगे, क्योंकि हमारे पास हम लेट तक सो रहे हैं या फिर कोई भी गलत आदत है, ये सब नेगेटिव चीज़ें हैं। आप धीरे 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 करोगे तो ये सब सॉल्व हो जाएगा। काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि मैं सो नहीं, उठ नहीं पाता, या फिर मैं बिना नहीं कर सकता हूँ, कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों का। वृश्चिक राशि वालों का हेल्थ कैसा रहने वाला है? आप सभी चार्ट पे अगर आप देख रहे हो, वृश्चिक राशि वाले, आप देखें मंगल ग्रह को जहां होना चाहिए वहां पर है, थर्ड हाउस में उच्च का हो रहा है। आपका कम्युनिकेशन की वजह से आपका हेल्थ इंक्रीज होगा। और आप काफी समय से जिम छोड़ रखा है, हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर दोगे, जिम स्टार्ट हो जाएगा, जिम रेगुलर रहेगा, हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा मार्च में आपका। साथ में अगर आप देखो, मंगल ग्रह शुक्र के साथ बैठा है। शुक्र कौन है? शुक्र आपका स्पाउस है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है,
तो शादी के से आपके पार्टनर से मिलने के चांसेस बनते हैं मार्च में। अगर शादी हो चुकी है तो आपका पार्टनर के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग स्टार्ट होगी। बाकी सेवंथ हाउस आपके रिलेशनशिप के ऊपर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है, तो रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर करियर की बात करूं तो करियर का पॉइंट, आपका करियर का भाव बहुत अच्छा है। करियर का होता है टेंथ हाउस, बहुत मजबूत है, लेकिन करियर का प्लेनेट शनि के साथ युद्ध कर रहा है, लड़ रहा है, ठीक है। तो शनि को वीक करने की जरूरत है और आपको सूर्य ग्रह को मजबूत करने की जरूरत है। आप सभी के लिए एक सिंपल सी रेमेडी ये है कि आप सभी सुबह सुबह उठें। अगर आप करियर को स्ट्रांग करना चाहते हैं, देखो आपके हाथ में आपका करियर, अगर आप करियर को मजबूत बनाना चाहते हो तो सुबह सुबह उठें, जल्दी उठें और सूर्य को जल चढ़ाएं। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो कभी भी दिन में कभी भी बैठकर सूर्य आदित्य स्त्रोत का पाठ करना शुरू कर दें। आप सभी का करियर मजबूत होगा, करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अब यहाँ पर करियर का प्लेनेट शनि के साथ बैठा है तो हो सकता है कोई ऐसी स्थिति में आप कंफ्यूज हैं कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, ठीक है। तो थोड़ा सा इससे संभल के रहें, बाकी अच्छी पोजिशन है। आगे चलते हैं धनु राशि की तरफ। धनु राशि वालों का हेल्थ कैसा रहेगा? धनु राशि वालों का गुरु ग्रह लग्नेश बनता है, नाइन्थ हाउस में बैठकर नवम दृष्टि से अपने आप को देखता है, तो हेल्थ बहुत अच्छा रहने वाला है। आप सभी का हेल्थ पर आप ध्यान देंगे, गुरु ग्रह नेचुरल सिग्निफिकेटर है गुड हेल्थ का, तो आपकी हेल्थ पर अगर कोई अड़चन थी या परेशानी थी काफी समय से, वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अगर रिलेशनशिप पर आप बात करते हैं तो 7 मार्च के बाद रिलेशनशिप में कुछ अड़चन, कुछ इशू आ सकता है, तो रिलेशनशिप को ठीक रखने की जरूरत है। यहाँ पर बहुत बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लेना आप सभी, रिलेशनशिप को ध्यान रखने की जरूरत है। जो बुध ग्रह आपका यहाँ पर वीक होने वाला है 7 तारीख से लेकर 24 मार्च के बीच में हाई इंटेंसिटी वाला वीक होगा, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर रिलेशनशिप में कोई भी कैसे भी अड़चन आती है बच कर रहें, इग्नोर करें, कोई भी प्रॉब्लम आती है इग्नोर कर दें। आपको करना क्या है, बुध ग्रह होता है भगवान विष्णु का कारक, तो भगवान विष्णु की पूजा करनी है, भगवान विष्णु की आराधना करनी है। भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं जिसको कहते हैं विष्णु सहस्त्र नाम, उसका पाठ करना शुरू कर दें। पाठ नहीं कर सकते तो YouTube पर सर्च करें विष्णु सहस्त्र नाम और उसको सुनना शुरू कर दें, बस इससे ही आपकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और साथ में आपका करियर भी इससे प्रभावित होगा, जो आपका रिलेशनशिप में के साथ साथ आपका करियर भी इससे प्रभावित होगा। तो मैं कहूंगा कि आप अपने रिलेशनशिप और करियर को दोनों को बैलेंस रखें मार्च 2024 में, बाकी बढ़िया रहेगा। आपका एक विष्णु भगवान की पूजा करने से, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम के पाठ करने से आपका मार्च 2024 करियर और रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अमेजिंग रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। मैं ये राशिफल का वीडियो इसलिए बनाता रहता हूँ जिससे आप सभी को पहले से आभास रहे, पहले से इंट्यूशन रहे कि कुछ खराब तो नहीं होगा, कुछ अच्छा तो नहीं होगा, पहले से पता चल जाए। तो आप सभी को काफ़ी हेल्प मिलती है इस वीडियो से, काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स हमारे पास आते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी पीछे की वीडियोस को देख सकते हैं, पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, मेरे टीम मेंबर मुझसे कहते हैं कि आपको लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा ना करें, सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। और आने वाली कुछ वीडियो में मैं Q&A करने वाला हूं, तो आप सभी अपने अपने क्वेश्चंस को कमेंट में लिखें जिसके माध्यम से हमें आपकी क्वेरी मिलेगी, तो हम आगे आने वाले वीडियोस में Q&A के माध्यम से आप सभी का आंसर देंगे। नमस्कार, ऐसे ही प्यार देते रहें आप सभी का। 2024 का मार्च का महीना मंगलमय हो, शुभकामनाएं।